दोस्तों फिर से स्वागत है और एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का आंसर की कब तक जारी होगा, 1 तारीख को होगा या 31 तारीख को होगा। आपको को इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं, तो अगर आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट आपको को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आंसर की आप लोगों को पहले ही देखने के लिए मिल जाता, लेकिन आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कुछ टेक्निकल इशू के कारण बहुत सारा भाई का जो है एग्जाम भी कैंसिल हुआ था। आप लोग का जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसके कारण आप लोग का आंसर की अभी तक नहीं जारी किया गया है। आप लोग का मैं बता देना चाहता हूँ जितने भी कैंडिडेट का एग्जाम कैंसिल हुआ था वो आज एग्जाम उन लोगों का कंप्लीट करा लिया जाएगा। 30 तारीख को आज जो है सभी भाइयों का जो है एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ आंसर की के बारे में कि आप लोग का आंसर की इसी कारण रुका हुआ था, और आप लोग को 1 से 2 तारीख के बीच में आप लोग का आंसर की जारी कर दिया जाएगा। 2 तारीख से पहले या कल भी आ सकता है या परसों भी। आप लोगों को सबसे ज़्यादा चांस है कि आप लोग का 1 या 2 तारीख को आंसर की जारी किया जाएगा। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ जैसे जारी किया जाएगा आप लोग का वीडियो के माध्यम से मैं जानकारी दे दूंगा, तो आप लोग को थोड़ा सा वेट कर लेना है। जैसे कोई अपडेट आता है मैं आप लोग को चैनल के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। दोस्तों बात की जाए रिजल्ट का, तो रिजल्ट अभी आप लोग को आने में 1.5 से 2 महीना का टाइम लगेगा, तो रिजल्ट के लिए आप लोगों को काफी वेट करना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, चलते हैं।